ये लो पहन लो, इसे कुछ नहीं, यहां तक बचेगा, यहां नहीं बचेगा, यहां बैठी तो गए, कौन चलेगा साथ में? हम चलेंगे साहब। मरोगे तो? तैयार है। तैयार है? गवर्नमेंट 25,000 रुपया देगी, मरोगे तो ड्यूटी पर 25,000 मिलेंगे, बीवी को, बच्चे भीख मांगेंगे जिंदगी भर, चलेगा? चलेगा। शाबाश शाबाश, मेरे को लुड़काएंगे, मेरी फिक्र नहीं करने की, उनको इधर या इधर मारने का, समझे? ए लारे जल्दी चल। बॉल दो ना, प्लीज दो ना। बड़े होकर क्या बनोगे? तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। देखो सचिन कभी गावस्कर नहीं बना, गावस्कर कभी मुश्ताक अली नहीं बना, उनके हर एक की अपनी पहचान है, अपनी पहचान बना। वो तो सब ठीक है, मेरा बॉल दो ना अंकल। अंकल मेरा बॉल दो ना प्लीज, अंकल प्लीज बॉल दो ना, मैंने नहीं उसने मारा। इंस्पेक्टर यशवंत लोहार, हाथ ऊपर हरकत नहीं, ढूंढ डालूंगा कदम, कुछ हरकत की तो बस्ट मार। यशवंत इंक्वायरी के लिए तैयार हो जा। इंस्पेक्टर लोहार कौन से रूम में है? जी उस तरफ। मेरे दो हवलदार ज्यादा जख्मी हुए हैं, उनको देखो यार, इधर हाथ में लगे उनके सीने में। रिलैक्स, उनको देखने के लिए और भी तो डॉक्टर है ना। देखो खतरे की कोई बात नहीं है ना, उनके फैमिली को बोल दिया है। डॉक्टर कितनी देर लगा रहे हो गया क्या? प्लीज हैव पेशेंस, टाके लगाने, हिलना नहीं, जस्ट रिलैक्स। अरे कितने टाके लगा रहे हो, पैजामा समझे हो क्या? तुम यहां क्या कर रही हो? हाँ कुछ नहीं हुआ मुझे, जाओ वो तो हवलदार जख्मी हुए हैं, उनके घर वाले आए होंगे, उनका हौसला बढ़ाओ, जाओ दरवाजा बंद करो, कम ऑन मेक इट फास्ट, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स। आपको किसने इन्फॉर्म किया? वो गरीब है लेकिन खरीदा नहीं जा सकता। कौन है वो, नाम क्या है? नहीं बताऊंगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसफर कर देनी चाहिए थी ना, ये केस आपका है ना, वो एरिया आपकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है। वो हर एरिया मेरी ज्यूरिसडिक्शन में आता है जहां क्राइम हो रहा है।
मेरे एरिया के बाहर एक गुंडा एक औरत से बलात्कार कर रहा है, तो मैं इसलिए चुप रहूं क्योंकि वो एरिया मेरा नहीं है। मिस्टर लोहार, पुलिस वालों को अगर कुछ अधिकार दिए गए हैं तो साथ में नियम के कुछ बंधन भी। तुमने उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। फिर वो लोग तो सरेंडर करने वाले थे, फिर भी तुमने उन पे गोली चलाई। शूट टू किल, दैट अमाउंट्स टू मर्डर। उन गुंडों ने मेरे दो हवलदारों को मारा, वो मर्डर नहीं है। मर्डर करने वालों को मैंने मारा तो मर्डर हो गया। आजकल एक और बाजी पाई जाती है, आदर्श बाजी, नशा है एक तरह। मिस्टर यशवंत लोहार, जब तक आप अपना रवैया नहीं बदलते, खुद को नहीं बदलते, तब तक मैं आपको न मैं बदलूंगा ना तो मेरा रवैया बदलेगा। अगर आपको बदलना है तो वह शपथ बदलिए जो कमीशन के वक्त दी जाती है। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा, भारतीय गणतंत्र की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहूंगा, धर्म भाषा जात पात के नाम पर लोगों में वैमनस्य फैलने नहीं दूंगा। संविधान ने मुझे जो अधिकार दिए हैं उसका इस्तेमाल निष्पक्ष होकर ईमानदारी से करूंगा। बजाय इसके भारत मेरा देश है, बेईमानी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन है, भारत के सभी गुंडे लुटेरे बलात्कारी हत्यारे मेरे रिश्तेदार है, उनकी सेवा उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है। जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा। इट शुड बी लाइक लाइक दिस यू नो, इट शुड बी लाइक दिस डोंट यू थिंक। मिस्टर यशवंत लोहार, यू आर सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। यश, ये इंक्वायरी कमीशन भी कुछ अहमियत रखता है। हां, इंक्वायरी कमीशन काय का, सीधा कह देते तुम्हारी जरूरत नहीं है, योर सर्विस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये नाटक की क्या जरूरत थी? तुझे ह्यूमिलिएट करना चाहते होंगे वो। अंदर से किया, यशवंत लोहार को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि पावर मेज के उस पार है जहां वो बैठे हैं, जहां नहीं जहां मैं खड़ा हूं। बस मुंह उठा के कह दिया जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, अपाहिज कर दिया। भाई यही तो पावर गेम है यश, पावर इज द मेन ब्लडी थिंग। यही कहता हूं, ये पावर हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि उस पार वहां उस कुर्सी पर हम में से कोई नहीं है, हम में से कोई होना चाहिए वहां, वहां उधर बैठना चाहिए। कैसे, कौन? कोई भी हो सकता है, तू हो सकता है, ये हो सकती है। पढ़ो और पढ़ो, उस कुर्सी के लायक बनो और फिर जाके फिर खेलो, हमारा आदमी होना चाहिए, फिर खेलो। इट्स अ फेयर गेम देन, इट्स अ फेयर गेम। मैं नहीं पढ़ूंगी। क्यों नहीं पढ़ोगी? पढ़ो, अगर कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। मैं बोलो, मैं नहीं पढ़ूंगी। पढ़ना पड़ेगा, क्यों नहीं पढ़ोगी? क्या किया तुमने यशवंत? आप पर कोई जानलेवा हमला करता तो आप क्या करते? कौन है ये? आप ही का कोई भड़वा होगा। बकवास मत करो, ले चलो इसे। पांडे सर, पंचनामा के लिए 5 आदमी लेकर आओ। यस सर। और सावंत? यस सर। एम्बुलेंस भी बुला लो। ओके सर। छोटा सा काम करने को बोला वो भी नहीं जमा। अच्छा किया तुमने जो इसे कुत्ते की मौत मारा। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन नसीब के आगे किसकी चलती है। चाचा रोना भी है लेकिन जीना भी तो है आगे। अपने आप को कभी अकेला नहीं समझना। मैं हूं ना, मैं हूं। मेरा बच्चा था, मेरे वार्ड का बच्चा था, उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी चाचा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं चाचा, एक पुलिस वाले ने ऐसा काम कर दिया। आपको क्या लगता है जो आपने किया वो सही किया? जी हाँ। मिसेज लोहार, आपको क्या लगता है
कि 1972 में अपने पड़ोसी देश के साथ जो शिमला समझौता हुआ था उसका आज भी कोई महत्व है? बहुत महत्व है सर, बल्कि उसी समझौते के आधार पर दोनों देशों के बीच संबंध सुधर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ कमी रह गई? यहाँ भी और वहाँ भी दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में ये भूल गए हैं कि उनके इस रवैये से पूरे दक्षिण एशियाई रीजन को कितना नुकसान पहुंच रहा है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि दोनों को अगर खुद को तबाही से बचाना है तो शिमला समझौते का पालन करना ही पड़ेगा। विमेंस लिबरेशन के बारे में क्या सोचती हैं आप? इम्पोर्टेड विमेंस लिबरेशन हमारे यहाँ नहीं चल सकता। मिसेज लोहारा प्लेन से आई थी कि ट्रेन से? ट्रेन से। जिस ट्रेन से आप आई थी उसका बोगी नंबर क्या था? S27943। अगर मैं आपको प्रपोज करूं कि आज रात आप मेरे साथ कहीं डिनर पर चलें तो आपके हस्बैंड को बुरा तो नहीं लगेगा? दामाद आपका है बुरा।